إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تبارك وتعالى إنا أرسلناك رحمة للعالمين हाजरीन गिरामी पर्दा नशीन ख़वातीन मिल्लत खुतबा मसूना के बाद मैंने आपके सामने सूरह तौबा की आयत नंबर 164 पढ़ी है। अल्लाह तबारक ताला ने इस आयत में फरमाया लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, यकीनन अल्लाह ताला ने एहसान किया है मोमिनों पर। इज़ बअथ फीहिम रसूलन मिन अन्फुसिहिम, जबकि अल्लाह ताला ने उन्हीं में से एक रसूल को भेजा। आखिरी रसूल की बेअसत इंसानियत के नाम अजीम एहसान है। रसूल आकर क्या किए, यतलु अलैहिम आयाती, लोगों पर अल्लाह की आयतों को पढ़ के सुनाए। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, किताब व हिकमत की तालीम दिए। वयुज़क्कीहिम, उनको पाक साफ किए। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, किताब व हिकमत की तालीम दिए। وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, यकीनन सारी इंसानियत नबी की बेअसत से पहले खुली गुमराही में पड़ी हुई थी। हसीन निगरामी, महीना चल रहा है रबीउल अव्वल का। रबीउल अव्वल की आज 3 तारीख है। रबीउल अव्वल वो महीना है जिस महीने में मोहसिन इंसानियत रहमत कायनात खैरुल बशर आमिना के लाल
अल्लाह तबरक ताला के प्यारे, सारी इंसानियत में ऊंचा मुकाम रखने वाली शख्सियत, खैरुल बशर, शरीफ उत्तरफाइन, नजीब उत्तरफाइन, हर एतबार से जिनका मुकाम मर्तबा ऊंचा है, जिनकी वजह से अल्लाह तबरक ताला ने सारी इंसानियत को इंसान इंसान बनाया, जिनके जरिए से अल्लाह तबरक ताला ने भटती हुई भटकती हुई सिसकती हुई बिलकती हुई इंसानियत को कमा हक्का हो हक दिलाया, और वो इंसान ऐसे इंसान हैं जिन्होंने इंसानों को नहीं बल्कि जानवर नुमा इंसानों को इंसान बनाया, रब्बे हकीकी से जोड़ा, कुरान जैसे कलाम जिन पे नाजिर हुआ, जो तमाम अंबिया के सरदार हैं, महशर के मैदान के हामिले लिवा हैं, और सबसे पहले जिनके जरिए से जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा, जिनके जरिए सबसे पहले कयामत में इंसानों को उठाया जाएगा, कयामत के मैदान में जो सबकी सिफा तौहीद परस्तों की सिफारिश करेंगे, और तमाम नबियों का झंडा जिनके हाथ में होगा, सारे अंबिया आदम से लेकर ईदम तक कयामत की सुबह तक की सारी इंसानियत जिनके झंडे तले होंगे, वो है नामे नामी इस्मे गिरामी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का महीना है। हाजिरीन गिरामी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, आपकी बियासत, आपकी रिसालत, आपकी नबूवत, आपका वजूद, आपका रहना, आपकी तालीमात, आपकी सुन्नतें, आपका लाया हुआ कुरान, आपके अखलाक, आपके किरदार, आपके फरमुदात, आपके गजवात, आपकी जंगें, आपके फैसले, आपकी बातें, आपका उठना, आपका बैठना, आपका सोना, आपका जागना, आपका जिंदा रहना, आपका वफात पाना, ये सारी इंसानियत के लिए रहमत है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आज शैतान के परस्तार प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर, आपकी सीरत पर उंगलियां उठाते हैं, कोई कार्टून बनाता है, कोई फिल्में बनाता है, कोई किताब लिखता है, कोई कमेंट्स करता है, कोई कुछ और कहता है। याद रखो, सारी कायनात, सारी कायनात में ऐसा इंसान ना आज तक किसी ने देखा है ना देख सकता है। आओ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत, आपकी विलादत इंसानियत के लिए रहमत है, इंसानियत के लिए अजीम एहसान है। देखो, अल्लाह ताला के एहसानात इतने ज्यादा हैं, हम बयान करें, गिने शुमार करें, खत्म नहीं कर सकते हैं। समंदर के पानी को आप इंक बना लें, और सारे दरख्तों को, पेड़ पौधों को कलम बना लें, और अल्लाह की तारीफ, अल्लाह के एहसानात गिनना शुमार करना चाहें, तो सारे पानी खत्म हो जाए, सारे दरख्त खत्म हो जाए, अल्लाह की तारीफ खत्म ना हो। हाँ, लेकिन अल्लाह ने कहीं एहसान को जताया नहीं, गिनाया नहीं कि हमने तुम पे एहसान किया है, लेकिन ये मकाम है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, आपको नबी बनाकर भेजना, आपको रसूल बनाकर मबऊस करना, इसको अल्लाह तबरक ताला ने एहसान से ताबीर किया, फरमाया लकद मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, अल्लाह ताला ने मोमिनों पर एहसान किया है कि उन्हीं में से एक रसूल को भेजा, मिन अनफुसिहिम, उन्हीं में से यानी इंसानों में से। ये बात याद रखिए कि रसूल इंसान थे, बशर थे, मगर खैरुल बशर थे। इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, मैं तुम्हारे जैसे इंसान हूं, फर्क इतना है, यूहा इलैया, मेरी तरफ वही आती है, मैं अल्लाह का रसूल हूं, अल्लाह के बंदे के साथ साथ मैं रसूल हूं। इसीलिए उस वक्त तक कोई मोमिन मोमिन नहीं हो सकता, उस वक्त तक कोई इंसान इनसे मोमिन नहीं हो सकता, मुसलमान नहीं हो सकता, जब तक नबी के बारे में दो बातों की गवाही ना दे, वशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अब्द यानी बंदे की भी गवाही देना, रसूल की भी गवाही देना। अगर कोई कहता है नबी रसूल तो है, मगर इंसान नहीं, बशर नहीं, बंदे नहीं, उसका ईमान काबिले कबूल नहीं। अगर कोई कहता है नबी बशर तो है, नबी इंसान तो है, मगर वो रसूल नहीं है, तो उसका भी ईमान काबिले कबूल नहीं है।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाजरीन, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आइए मैं आपको मुख्तसरन नबी की विलादत से लेकर वफात तक के चंद वाकयात सुना देता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हूं, अपने भाई ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूं और अपने वालिदा मोहतरमा के ख्वाब हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फातिमा, जब आप अपनी वालिदा आमिना के बतने में थे तो आपकी वालिदा आमिना ने यह ख्वाब देखा कि चांद का टुकड़ा या आसमान का सितारा आके मेरे गोद में घिरा और उसकी वजह से सारी इंसानियत रोशन, सारा जहां रोशन हुआ। हाँ, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदं व नदीरं व बशीरा व सिराजं। ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ नबी, हमने आपको सारी इंसानियत के लिए बशारत देने वाले, डराने वाले, खुशखबरी देने वाले और आपको सिराजम मुनीरा, एक रोशन चिराग बनाकर भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व किरदार, आपके फरमोदात, ये सब के सब रोशन चिराग हैं, एक बेहतरीन मीनारा है, एक मशाले राह है। लेकिन आपकी जात नूर नहीं है, आपकी तालीमात नूरानी है, आपके फरमोदात नूरानी है, सिराज मुनीरा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह ये जिस मक्के को मैंने आबाद किया है, यहां जो आबाद हैं, अल्लाह तू मेरी नस्ल से, मेरी कौम से, इस कौम से एक आखिरी नबी को भेजना। कहा कि देखो मैं इब्राहिम की दुआ हूं। और ईसा अलैहि सलाम ने कहा, मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक नबी आएंगे जिनका नाम अहमद होगा। अल्लाह अकबर। इसीलिए अल्लाह तबरक तआला ने सारे नबियों से इकरार लिया। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 80 पर एक में अल्लाह ताला ने फरमाया, 81 में फरमाया कि देखो हमने हर नबी से यह इकरार लिया, हर नबी को हमने भेजा। वईद अखदन नबी गीन, याद करो जबकि हमने हर नबी से ये अहद लिया, ये इकरार लिया कि जब हमने तुमको किताब व हिकमत अता की है, जब आखिरी नबी आएंगे तुम सब उन पर ईमान लाओगे, लतुमिनुन्ना बिही वलतनसुरन्नहु, और तुम जरूर लतनसुरन्नहु, तुम जरूर उनकी मदद करोगे। सब ने कहा हमने इकरार किया, हमने इकरार किया। याद रखो मेरे भाइयों, हर नबी से अल्लाह ने, हर नबी से आदम से ईसा अलैहि सलाम तक अलैहिम अजमाइन सलवातुल्लाहि वसलामु अलैहिम अजमाइन, हर एक से अल्लाह ताला ने ये अहद लिया कि तुम आखिरी नबी पर ईमान लाओगे। अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम मर्तबे का क्या कहना है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद आप हसब नसब के एतबार से सबसे ऊंचा मुकाम रखते हैं, शरीफुल और नजीब उत्तरफाइन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से गोया कि ये सारी कायनात को एक एहसान मिला, अजीम तोहफा मिला है। आपका ये मुकाम मर्तबा मेरे भाइयों के खालिक कायनात अल्लाह तबरक ताला के नाम के साथ सैकड़ों बार अगर मखलूकात में से किसी का नाम लिया जाता है तो वो वाहिद मखलूक है, वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर बंदा जब शहादतैन का इकरार करता है, वो अल्लाह के साथ साथ नबी का भी नाम लेता है। मुअज्जिन हर बार पांच नमाज में, पांचों इकामत में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ अशहदु अन्न मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है। हर खतीब अपने खुतबे के आगाज में अल्लाह के साथ साथ नबी पर भी दरूद भेजता है। ये वाहिद हस्ती है मेरे भाइयों। और अल्लाह अकबर, नबी की इज्जत, नबी के मकाम मर्तबा इतना अजीम है, सारी कुरान और हदीस का आप मुताला कर लीजिए। अल्लाह ने हर नबी का नाम लेके डायरेक्ट पुकारा है, कहा कि या आदम, या नूह, या शुएब, या मूसा, या ईसा, या इब्राहिम, या इस्माइल, सब कुछ सबका नाम लिया। सारी कुरान और हदीस उठाकर देखिए, अल्लाह ताला ने कभी डायरेक्ट अपने नबी का नाम से नहीं पुकारा है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी नहीं कहा। रसूल से, नबी से प्यार भरे अंदाज में कहा, या अय्युहर रसूल, या अय्युहन नबी, ये कहा है। और जहां पर भी आपका नाम लिया गया,
रिसालत और नबुवत के मनसब के साथ जिक्र किया गया, कहा गया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद का सिर्फ नाम आया तो रिसालत के और नबुवत के मनसब के साथ आया है, यानी तो बंदे के साथ कहा कि वह इन कुन तुम फी रैबिम मिम्मा नज़लना अला अब्दिना, हमने अपने बंदे पर नासिल किया, सुभान अल्लज़ी असरा बि अब्दिही, अल्लाह पाक है जिसने अपने बंदे को इसरा व मेराज करवाया। अल्लाह अकबर, ये नबी का मुकाम मर्तबा है मेरे भाइयों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाजिर निगरामी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन्हीं एहसानात, आपके ये मुकाम मर्तबा हैं कि आपके इस मुकाम मर्तबे का इकरार इंसान जिन्नात तो करते ही करते हैं, यहां तक कि हैवानात जानवर बेजुबान जानवर भी आपके मुकाम मर्तबे आपकी अजमत और शान का ख्याल रखते हैं। अल्लाह अकबर, सही बुखारी की हदीस है, उहद पहाड़ पे एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चढ़ गए और आपके साथ हजरत अबू बकर और हजरत उमर और उस्मान थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ में चढ़े उहद पहाड़ पे, उहद पहाड़ लरजने लगा, कांपने लगा, थरथराने लगा। अल्लाह के रसूल ने उहद पहाड़ से खिताब करके कहा, आई उहद पहाड़ थम जा, रुक जा, ठहर जा, आज तेरे माथे पे एक नबी है, एक सिद्दीक है, दो शहीद हैं। अल्लाह अकबर, नबी की बात सुनना था उहद पहाड़ ठहर गया, रुक गया, ठहर गया, सुभान अल्लाह। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के तने पे, खजूर के तने पे टेक लगाकर खुतबा इरशाद फरमाते थे, उसके बाद एक सहाबी ने आपके लिए मेंबर बना दिया, आपने टेक लगाना छोड़ दिया, सहाबा ने देखा वो खजूर का बेजुबान मुर्दा तना सिसकिया लेकर रो रहा था, बिलक बिलक कर, सिसक सिसक कर रो रहा था। अल्लाह अकबर, नबी की जुदाई का इतना सदमा हुआ, फिर उसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमतुल लिल आलमीन ने उनको सीने से लगाया, उस तने को सीने से लगाया, प्यार किया, उसके बाद उसका सिसकना और बिलकना कम हुआ। अल्लाह अकबर, ऊंट मदीने में एक ऊंट बिदक गया, बिदक जाने के बाद किसी की बात मानने तैयार नहीं है, कोई उसको काबू में करने तैयार नहीं है, किसी के काबू में नहीं आ रहा था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर उस जानवर ने सर झुका के सलाम किया, हाँ नबी सामने गए, उसने सर झुका दिया, आपने उस ऊंट को बहलाया सहलाया और उसके बाद कहा कि ये ऊंट मुझसे शिकायत कर रहा है, इसका मालिक इसको चारा कम डालता है, काम ज्यादा लेता है, याद रखो इसको चारा डालो, काम इसकी ताकत भर लिया करो। अल्लाह अकबर, हजरत सफीना का वाकया आप जानते हैं कि वो सफर करते करते समंदर में जाकर जंगल में गुम हो गए, जंगल में रास्ता उनको नहीं मिल रहा था, ये सारे सही वाकयात हैं, अनाब शनाब वाकयात हैं, हम लोग आपको नहीं सुनाते हैं, सारे ऑथेंटिक सही रिवायतों से साबित है, मुसद्दर हाकिम इब्ने हिब्बान की रिवायत है ये। उसके बाद हजरत सफीना रजी अल्लाह तआला अन्हु रास्ता भटक गए जंगल में, पता नहीं कहां जाएं, जंगल में मारे मारे फिरते फिरते जंगल का शेर सामने आ गया, जंगल का शेर सामने आ गया, हजरत सफीना ने जंगल के शेर से कहा, आई जंगल का शेर, मैं इंसानों के शेर का आजाद करदा गुलाम हूं, ये जिस्म जिसको फाड़ना चाहते हो इस जिस्म को आजाद किया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अना मौला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आजाद करदा गुलाम हूं, ये आग जिससे तुम आग मचोली कर रहे हो, इस आग को नबी को देखा है, ये सुनना था जंगल का शेर भी नबी को सराहा, नबी को सलीम किया, सर झुका के सलाम किया, दामन पकड़ के जंगल से बाहर लाके रास्ता दिखाकर दूर जाके फिर बैठ के सलामे अलविदा कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, मैं आपको कितने वाकयात बताता हूं, सही मुस्लिम की एक रिवायत है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बयाबान में थे, कहीं कुछ नहीं, आपको कजाए हाजत की जरूरत पड़ी, आपकी आदत थी आप छुप के करते थे, लेकिन कुछ नहीं, क्या करें क्या करें, दूर दो दरख्त थे, आपके जज्बात को पहचान के दो खजूर के दर, सही मुस्लिम की हदीस बता रहा हूं, कोई किस्से कहानी नहीं, खजूर के दो दरख्त
वहां दूर से आपके सामने आ गए, एक सामने ठहरा एक पीछे ठहरा, आप कजाए हाजत से फारिग हुई और दरख्त अपनी जगह पर चले गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नबी का मुकाम मर्तबा है मेरे भाइयों। आपके मौजजात क्या क्या बताऊं, उंगलियों से चांद को दो टुकड़े किया आपने, अल्लाह अकबर, आप पे कुरान नासिल हुआ, बेहतरीन दस्तूर है आपका वजूद का कि जब तक ऐ नबी आप मौजूद होंगे आपकी कौम को मैं तबाह और बर्बाद नहीं करूंगा। وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, جب تک آپ ان کے درمیان ہو آپ کو آپ کی امتوں کو ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ حضرین, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ میں نے شاید 1% بھی حق ادا نہیں کیا اب تک, مختصر وقت میں ساری باتیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں 12 ربیع الاول نہیں 9 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی۔ سیرت نگاری میں جو کتاب پہلے نمبر پہ آئی ہے ساری دنیا میں, نبی کی بایوگرافی, نبی کی سیرت نگاری میں جو کتاب پہلے نمبر پہ آئی ہے اس کا نام ہے الرحیق المختوم, اس کو انگلش میں کہتے ہیں The Sealed Nectar۔ تو اس کتاب میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ آپ کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی, 12 ربیع الاول کو نہیں۔ دوسری بات ہے, سند کے حساب سے انہوں نے بات بیان کیا, سند کے اعتبار سے اور ایک عقل کے اعتبار سے, ایک پریکٹیکلی انہوں نے میتھ کے فارمولے سے کہا کہ 9 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہوئی پیر کے دن۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں, کیونکہ نبی نے صاف فرمایا جب آپ سے پوچھا گیا آپ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں تو کہا کہ فیہ ولدتو, اس دن میں پیدا ہوا, اس دن میں پیدا ہوا۔ تو پیدائش کے دن نبی نے کیا کیا, روزہ رکھا۔ ایک نقطہ یاد رکھو, نقطہ یاد رکھو, عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے؟ حرام ہے۔ نبی نے ولادت کے دن روزہ رکھا تو جشن عید میلاد ہے؟ بولو, جشن عید میلاد ہے۔ عید کے دن روزہ حرام ہے۔ نبی نے روزہ رکھا تو عید نہیں ہے, عید ہے تو روزہ نہیں ہے۔ اب بتاؤ نبی نے کیا کیا, نبی نے روزہ رکھا ہے, آپ عید مناتے ہو, نبی کی مخالفت ہے۔ تو کہتے پیر کا دن, میں جو لوگ جانتے ہیں کہ آج سے 20 سال پہلے فلاں مہینے کے پیر کے دن کون سی ڈیٹ ہے وہ بتا دیتے ہیں, وہ کیلکولیٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جب ہوئی 570-71 عیسوی پیر کے دن, تو اس میں پیر کے دن اگر دیکھا جائے تو 12 ربیع الاول کو پیر کا دن نہیں آتا, پیر کا دن 9 ربیع الاول کو آتا ہے۔ تو یہ ثابت ہوا کہ 9 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہوئی اور 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور ایک بات نقطے کی یاد رکھنا, نبی کی پیدائش کی ڈیٹ میں اختلاف ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جشن میلاد برتھ ڈے کسی نے منایا نہیں۔ کیوں؟ انڈیا آزاد ہوا کب, کسی کو اختلاف ہے؟ بچے بچے کو یاد ہے۔ کیوں؟ ہر سال سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اگر نبی کے برتھ ڈے کو ہر سال سیلیبریٹ کیے ہوتے, آپ کے چچا, آپ کے والد, آپ کے والدین, آپ کے چچا, آپ کے تایا, آپ کے دادا اور آپ کے بعد آپ کے خاندان والے, آپ کے صحابہ اکرام, اختلاف ہوتا؟ اختلاف ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کسی نے اس کو منایا نہیں ہے۔ یہ غیروں کا طریقہ ہے, مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے, اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے ہوئے, بڑے ہونے کے بعد آپ کے کرامات, معجزات, آپ کو نبی بنایا گیا, آپ نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں, تکلیفوں کو جھیل کے مکے میں آپ نے اپنے مشن کو آگے بڑھایا ہے۔ تو مکی حالات میں, مکی دور میں جب مسلمان کمزور ہو, مقہور ہو اور سامنے والا طاقتور ہو, تو اس وقت مسلمانوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہیے, صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے اور اپنے ایمان و عقیدہ اور اعمال اور اخلاق کی اصلاح کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو شب معراج سے پہلے طائف کا سفر کیے, طائف والوں نے مارا پیٹا, لہو لہان کیا۔ اس کے بعد دیکھو اللہ تعالیٰ ایک وقت تک آزماتا ہے, آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ پرائز دینا شروع کرتا ہے۔ طائف کے سفر سے واپس آتے ہی معراج کا سفر ہوا, پھر اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ گئے۔ مدینہ جانے کے بعد آپ اور آپ کی تعلیمات مستحکم ہوئی,
मुस्ताकम होने के बाद सारी दुनिया में एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम फैला, इस्लाम की तालीमात को आम किया गया। अल्लाह अकबर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अखलाक, अपने किरदार, अपने फरमोदात, अपनी रहमत भरी तालीमात, अपने मुशफिकाना करीमाना रहीमाना रवियों के साथ आपने सारी दुनिया को फतह किया है। यकी महकम अमल पयहम मोहब्बत फातिह आलम, यकी महकम अमल पयहम मोहब्बत फातिह आलम। याद रखो मेरे भाइयों, इन तीन चीजों से यकीन ईमान, यकीन तौहीद, इसके जरिए से अमल पे हम मोहब्बत मुसलसल अमल मोहब्बत फातिह आलम, मोहब्बत के जरिए से आपने आलम को फतह किया है। यही ये रक्त सफर, यही एक मोमिन के लिए बेहतरीन रक्त सफर है मेरे भाइयों। हाजरी निगरामी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसआदत इसी महीने में हुई और आपकी वफात भी इसी महीने में हुई, इसी महीने में हुई। आपके एहसानात क्या है आपने सुन लिया। अब एहसान के बदले में हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान, एहसान का बदला तो एहसान होना चाहिए। और एहसान का मतलब है हुस्ने सुलूक, और नबी के साथ हुस्ने सुलूक क्या होगा कि नबी के हुकूक हम अदा करें। नबी के हुकूक क्या क्या है, क्या क्या है, ये बात मालूम करके बात खत्म करते हैं। नबी के हुकूक में पहला है वो नबी जिन्होंने हमारे लिए इतनी कुर्बानियां दी। क्या क्या कुर्बानी? उम्मत के लिए आपके दिल में जो, आपके जिस्म में जो दिल था वो धड़कता तो हमेशा उम्मती उम्मती ही करता। अल्लाह अकबर। रात के तहज्जुद में उठकर सारी दुनिया अपने लिए दुआ मांगती है, लेकिन ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद में उठ के उम्मती उम्मती के लिए दुआ मांगते हैं, कहते अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को याद करके एक आयत पढ़ते पढ़ते सारी रात खत्म करते हैं, सारे तहज्जुद खत्म करते हैं। अल्लाह से कहते अल्लाह, रोते रोते ये पढ़ते पढ़ते अल्लाह इन तो अद्दुम فإنهم عبادك, अगर तो इनको आजाद देगा ये तेरे ही तो बंदे हैं। وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم, अगर माफ कर दे तेरी झोली में कमी क्या है, तू तो गफूर रहीम है। अपनी उम्मती की मगफिरत के लिए अल्लाह के रसूल एक आयत पढ़ते पढ़ते सारी रात खत्म कर दिए। अल्लाह अकबर। नबी ने फरमाया, हर नबी को अल्लाह ने एक दुआ दी है, उस दुआ को हर नबी ने दुनिया में इस्तेमाल कर लिया, कहा कि जो भी दुआ मांगोगे वो दुआ तुम्हारी कबूल होगी। एक मैं हूं, मैंने अपनी दुआ को मांगा नहीं है, मैंने अपनी दुआ को उठा के रख दिया, रिजर्व करके रख दिया। इख्तबातु दावती शफातल लि उम्मती यौमल कयामा, कयामत के दिन मैं अपने तौहीद परस्त उम्मती के लिए सिफारिश करूंगा जिन्होंने शिर्क नहीं किया, खुराफात अंजाम नहीं दिया, बिदात और खुराफात नहीं किए, तौहीद परस और सुन्नत पर अमल करने वाले उम्मतियों के लिए मैंने सिफारिश के लिए उस दुआ को उठा के रख दिया। अल्लाह अकबर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नबी जिन्होंने कहा ऐ लोगों, इन्नमा अना लकुम बिमंजिलतिल अब, मैं तुम्हारे लिए एक बाप की तरह हूं, हर बाप चाहता कि उसका बेटा मुझसे भी आगे बढ़े। और उम्मत के लिए, हर उम्मत के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ थी कि मेरी उम्मत नजात पा जाए। कल कयामत के मैदान में हर एक को नफसी नफसी का आलम होगा, लेकिन हमारे और आपके प्यारे आमिना के दुलारे महबूबे सुबानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे उम्मती उम्मती, मेरी उम्मत का क्या होगा। अल्लाह अकबर। उम्मत के लिए उन्होंने जो कुछ किया है आप फरामोश नहीं कर सकते हो मेरे भाइयों। लेकिन ये उम्मत बाहिसियत उम्मत हम कैसे हैं बोलो? नबी रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत को रहमतुल लिल आलमीन बन के जीना चाहिए, रहना चाहिए। अब जहां भी रहो नबी के उम्मत की तरह, नबी के रहमत की तरह, नबी के अखलाक किरदार की तरह, नबी के सुन्नत के शहीदाई, नबी के तौहीद की तरह अकीदा रखकर सहाबा किराम के मनहज की तरह तुम्हें चलना चाहिए। और नबी के हुकूक, वो नबी जो हमारे लिए इतना सब किए हैं, नबी के हुकूक में से पहला है नबी पर ईमान लाया जाए, नबी की इज्जत तौकीर की जाए, नबी की शान में गुलू ना करें, गुलू ना करें। नबी ने फरमाया ला तुतरूनी कमा तुरतिन नसारा,
जैसे नसारा ने ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुलू किया, अल्लाह के बेटे बना दिए, तुम मेरी शान में गुलू ना करना। इन्नमा अना अब्दुन व रसूल, कहा कि देखो मैं बंदा हूं रसूल हूं, तो बंदा और रसूल ही कहो, ये ना कहो कि अल्लाह है, अल्लाह के बराबर है। और लोग कहते हैं कि अल्लाह की झोली में वहदत के सिवा क्या है, जो कुछ मांगना है मांग लेंगे मोहम्मद से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद रखो, हजार बार नबी का नाम लेते हैं ये लोग अपनी बातों में, अपने वादों में, लेकिन दरूद नहीं पढ़ते हैं। फिर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, हमें कहते हैं कि हम नबी को मानते नहीं, नबी पर दरूद नहीं पढ़ते हैं। कायनात में नबी पर दरूद पढ़ने वाले सबसे ज्यादा अहले हदीस हैं, मुहद्दिसीन हैं, हर हदीस पढ़ते कहते हैं قال رسول الله बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम तो हजारों दफा नाम लेते हो, कव्वाली में, फुला फुला में एक बार भी दुरूद पढ़ते हो, ये तो जबानी है तुम्हारा मामला। हाजिर निगरामी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक में से सबसे बढ़कर सबसे अहम हक ये है कि रसूल की इताअत की जाए, रसूल की इताअत की जाए। इताअत, अहले इल्म ने लिखा है सूरह आल इमरान की यह आयत, قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله। आए इंसानों, याद रखो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो, अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो, तो रसूल की इताअत करो। मुफस्सिरीन लिखते हैं हादी ही आयतुल इम्तिहान, ये मोहब्बत की इम्तिहान की आयत है। ये आपकी मोहब्बत खालिस है या नहीं, उसके इम्तिहान की ये आयत है। क्या है मोहब्बत का इम्तिहान? है इताअत। अगर तुम इताअत करते हो तो मोहब्बत में सच्चे हो, इताअत नहीं करते हो तो तुम्हारी मोहब्बत अल्लाह के पास काबिले कबूल नहीं है। अगर कोई सिर्फ मोहब्बत की बुनियाद पर नजात पाता, हम आपकी मोहब्बत पे शक नहीं करते हैं। रसूल से आप टूट के मोहब्बत करते हो, रसूल से आप फूट के मोहब्बत करते हो, रसूल से आप दिनों जान से मोहब्बत करते हो, हमें यकीन है। लेकिन सिर्फ मोहब्बत नजात के लिए काफी नहीं है। अबू तालिब नबी से टूट के मोहब्बत करते थे, दिलो जान से मोहब्बत करते थे, अपनी औलाद से बढ़ के मोहब्बत करते थे, नजात पाए। क्यों? मोहब्बत के साथ इताअत जो नहीं थी, इम्तिहान में कामयाब नहीं हो पाए। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिउनी। हाजरीन, आखिरी बात याद रखो, जब जब किसी कौम ने नबी की दो चीजों में से एक को पकड़ लिया, दूसरे को छोड़ दिया, वो गुमराह हो गई। बहुत पते की बात, खुलासा याद रखो तुम, नबी की क्या चीज? दो चीजें, एक है नबी की बात और एक नबी की जात। नबी की जात और नबी की बात। बात का मतलब आपकी तालीमात, कुरान हदीस, आपके फरमुदात, आपकी तालीमात, आपकी तहरीक, आपके मिशन। और आपकी जात, हमें मोहब्बत दोनों से होनी चाहिए, नबी की जात से भी मोहब्बत हो, नबी की बात से भी मोहब्बत हो, तो हम कामयाब हो सकते हैं। अगर हमें सिर्फ नबी की जात से तो मोहब्बत है, हमने नबी का नाम आते ही उठ के खड़े हो गए, जो कि शिर्क है, मोहब्बत ने गुलू कर दिए हैं। नबी का नाम आते ही अंगूठा चूम के आंखों में लगा तो लिया है, हमने नबी के की पगड़ी तो ले ली है, नबी का मिसवाक तो हमने ले लिया है, लेकिन नबी का अकीदा, नबी की बात, नबी की तालीमात, नबी की सुन्नत, नबी की जो तरीका, नबी की तहरीक, नबी का मिशन हमने लिया है। याद रखो मेरे भाइयों, जो कौम सिर्फ नबी की जात को मोहब्बत करे, कुलू कर दे, वो गुमराह हो जाती है। ईसाइयों ने यही किया है, ईसा अलैहि सलाम की जात से बड़ी मोहब्बत, बड़ी कदरदानी, यहां तक कि अल्लाह के बेटे बना दिए, लेकिन उनकी बात को पसे पुश डाल दिए। आज उम्मत मुस्लिमा का यही अलमिया है कि हमें नबी की जात से तो बड़ी मोहब्बत है, नबी पर कोई गुस्ताखी करें, नबी के खिलाफ कोई कार्टून लिखे, कोई कमेंट करें, हम जान का नजराना पेश करके बाहर निकल जाते हैं। घर से याद रखो, ये इंडिविजुअल इस तरह कदम उठाना गलत है, गलत है, और इसके जरिए से फितना होता है, और जो दुश्मन चाहते हैं वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। क्या करना है? हिकमत के साथ कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करना चाहिए। बाकी अगर कानून से इंसाफ ना मिले, अल्लाह के हवाले कर दो, अल्लाह देख लेगा। इन्ना का फैना कल मुस्तहजीन, आई नबी आपके इस्तेहजा करने वालों से हम काफी हैं, हम काफी हैं, अल्लाह देख लेगा। हम नबी की जात से इतनी मोहब्बत करते हैं, हर कुछ कर कुर्बान करने तैयार हैं, लेकिन वही नबी के नाम पर हमने जुलूस निकालते हैं, जुलूस हमने निकाला और निकालते 12 रबीउल अव्वल को आइन नमाज के वक्त में बैंड बाजे के साथ
ढोल ताशे के साथ, और बात तो डांस भी कर रहे हैं आजकल। बताओ ये नबी की बात है? नबी की जात से मोहब्बत तो किए, नमाज अजान चलती रहती है, तुमको नमाज की फिक्र नहीं और नबी की बात की कोई फिक्र नहीं है। ना तुम्हारा चेहरा नबी का है, ना तुम्हारा ड्रेस नबी का है, ना तुम्हारा अकीदा नबी का है, ना तुम्हारे अखलाक नबी का है, ना तुम्हारी सुन्नत नबी की है, ना तुम्हारे अमाल नबी के है, ना तुम्हारे अखलाक नबी के है, ना तुम्हारे तिजारत कारोबार नबी के है, ना तुम्हारे कुछ नबी के है। और बड़े जोर से तुम निकल गए हो सिर्फ नबी की जात से मोहब्बत करके बाहर। बताओ ये क्या है? वजा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, वजा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। अगर ये हमारा मामला है, अल्लाह की रहमत कहां बरसेगी? अल्लाह के रसूल की दुआओं के हकदार हम कब होंगे? नहीं हो सकते मेरे भाइयों। याद रखना, मैं आपके सामने ये सरबस्ता गुजारिश कर रहा हूं, और वो सारे इंसानों को जो सिर्फ नबी की जात से मोहब्बत करते हैं, नबी की बात से भी मोहब्बत करना सीखे, तब जाके आप कामयाब हो सकते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के मौके पर, एक तो 12 रबीउल अव्वल आप पैदा नहीं हुए बल्कि वफात पाए, और वफात के दिन, पहली बात तो अगर पैदा हो भी जाए, सहाबा और नबियों के सहाबा का आपके खानदान का यह तरीका नहीं रहा है कि जश्न मनाएं। इस्लाम में दो ही ईदें हैं, ईद उल अधा, ईद उल फितर, उसके अलावा ईद बिदात खुराफात हैं। और दूसरी बात, उसके लिए बाहर निकालना, रास्ता जाम करना, नबी की हदीस सुन ले, नबी ने फरमाया अगर कोई जिहाद करने गया और उसमें भी लोगों का रास्ता जाम किया, मन कता अत्तरीक ला जिहाद अला, रवाहु अबू दाऊद बिस्नादिन सही, सही सनद के साथ अबू दाऊद ने रिवायत की, अगर कोई मुजाहिद लोगों का रास्ता जाम करता है और रास्ता काट देता है, उसका जिहाद काबिले कबूल नहीं है। ये नबी की बात है। और तुम देखो नबी की जात से मोहब्बत करके क्या करते हो, गैरों की तरह? अरे वो भी कर रहे हैं, तुम भी उसी तरह कर रहे हो, फर्क क्या है बताओ? हम नबी रहमत के, रहमतुल लिल आलमीन के उम्मती है, हमारा काम ऐसे होता है हाजरीन। और फिर दूसरी बात, अगर भी ली जाए, उसी दिन आपकी पैदाइश भी हुई, वफात भी हुई, बताओ किसी के घर में खुशियां और गम दोनों एक साथ आए? यकीनन नबी की पैदाइश खुशी की बात है, लेकिन खुशी और गम भी कैसे मनाना? जैसे नबी ने बताया है, नबी की उम्मत हो, है ना, नबी का कलिमा तुमने पढ़ा है, नबी ने जैसे कहा खुशी मनाना, ईद वैसे मनाना। नबी के खिलाफ ईद मनाओगे तो बिदात और खुराफात है। नबी ने जैसे कहा गम गम मनाना, उसी तरह गम मनाना, उससे हट जाओगे तो भी गलत है। और अजीब माशा है, नबी की वफात के दिन खुशी, और नबी के नवासे के वफात के दिन जो कि शहादत की मौत है, उस दिन गम, मातम मनाते हो। शहादत हुसैन जो एक फखर की बात है, मातम मनाते हो। और नबी जिस दिन वफात पाए, सहाबा कहते हैं, सहाबा का आखिरी अमल हमारे लिए दलील है, सहाबा कहते हैं जिस दिन नबी वफात पाए, मदीने में गोया के काला दिन छा गया, सारे लोग परेशान हाल है, उमर जैसे बहादुर की बहादुरी भी जवाब दे गई है, अली बेहोश हो जा रहे हैं, उस्मान बेहोश हो गए, और खजूर का तना किया लेके नबी की जुदाई का सदमा देखो। अल्लाह अकबर, बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अज़ान देना शुरू किए, अशहदु अन्ना, आगे मोहम्मद बोल नहीं पाए, कहा कि आज के बाद से मैं किस मुंह से कहूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसे अजान दूं? वो हबीब ने जिसने मुझे ये मुकाम दिया, इस मुकाम पे बिठाया है, उनके नाम लेते मुझे उनकी याद आती है, बिलाल ने अजान देना छोड़ दिया है। अल्लाह अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नबी की इताअत है मेरे भाइयों, ये सहाबा का अमल है, और सहाबा के हट से तुम, सहाबा से हट के जो काम करोगे अल्लाह के पास काबिले कबूल नहीं होगा। इसलिए आपसे गुजारिश है, नबी की सुन्नत, नबी की बात पर अमल किया करो। जश्न मनाना, रास्ता जाम करना, ये नबी का तरीका नहीं है। और हकीकी माने में उस दिन नबी वफात पाए, सहाबा ने खुशी नहीं मनाए, सब गम से निडाल थे। फातिमा ने अनस से कहा, जब दफन करके आए, कहा कि अई अनस, तुम्हें कैसे लगा उस नबी के जिस्म मुबारक पे मिट्टी डालते हुए जिसकी तुमने 10 साल तक खिदमत की है? अल्लाह अकबर, ये सहाबा इकराम का हाल था 12 रबीउल अव्वल को। और आज हम लोग 12 रबीउल अव्वल को क्या करते हैं मेरे भाइयों? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी लम्हात में ये दुआ करके गए, लोगों तुम मेरी कब्र को ईद का जरिया ना बनाओ, मेरी कब्र की इबादत ना किया करो, तुम मेरी सुन्नत की पैरवी किया करो। नबी ने आखिरी वक्त में तालीम दी, लानत की लान अल्लाहुल यहूद नसारा इत्तखदु कुबूर अंबियाहि मसाजिदा, उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया, तुम ये काम नहीं करना। ये नबी की तालीमात। वो नबी, अल्लाह अकबर, अल्लाह ये बताना चाहता है, जिसने
कितने को शिफा दी, चांद से उंगलियों से चांद को दो टुकड़ा किया, और चरिंदे परिंदे दरिंदे इंसान जिन्नात हैवानात सब ने उनके फजल का एतराज किया। आज आखिरी वक्त में 12 रबीउल अव्वल को बिस्तरे मर्ग में पड़े हुए हैं। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह बताना चाहता है नबी नबी है, अल्लाह अल्लाह है। नबी से जो अल्लाह ने करवाया वो अल्लाह का कमाल है। आज देखो नबी खुद अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं, वो नबी जो कितनों को शिफा दिए आज वो शिफा नहीं पा रहे हैं, कितनों को बचा लिए आज वो बस अपने आप को बचा ना पा रहे हैं। याद रखो अल्लाह अल्लाह ही नबी नबी है। और 12 रबीउल अव्वल को आप रफी के आला से जाके मिले, उंगलियां उठाएगा अल्लाह मैंने पहुंचा दिया, तुम गवाह रहो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ नीचे आ गए, इस दारे फानी से कूच फरमा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन व सलावातु रब्बी सलामहु अलैहि। हाजरीन, इस तरीके से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बेहतरीन शानदार सीरत मैंने आपके सामने मुख्तसर रखी है। दुआ कीजिए रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको रबीउल अव्वल के महीने में नबी की जात और नबी की बात दोनों से मोहब्बत करने, दोनों की इताअत करने की तो